मेरे, अरे मंत्रवर पता भारी से भारी सजा पाएगा। भाग जा चलते मेरा, अब कहां माले बना सीधे तो बल के आखिर बात क्या है जो कि इतना निराश होकर के बैठी? नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी। क्या बात है बेटा? ए माँ, अगर कोई बात है तो मुझे बताना। मैं जब भी आता था मैया, तेरा चेहरा हंसा और मुस्कुराता दिखा जाता था, लेकिन आज तेरे चेहरे पर उदासी, क्या बात है माँ? कुछ तो बताना, क्या बात है? नहीं बेटा, ये बात क्यों पूछता है तू? उदासी का मतलब तू नहीं जानता। अरे मैं एक माँ, इसमें उदासी की क्या बात है बेटा? हंसी मुस्कुराहट जिंदगी में तो आती ही रहती है। और मेरी माँ तो ठीक आखिर बात क्या है माँ? कुछ तो बताना। अरे मेरे लाली क्यों हमारे दिल पे है? देख बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती, तू ही तो मेरा एक सहारा है। माँ। हाँ बेटा। इसमें खोने की क्या बात है? बता क्या बात है? एमा, तुझे मेरी सौगंध है। माँ, आखिर बात क्या है जो कि तेरे चेहरे से हंसी की मुस्कुराहट उड़ गई है? ये तेरा बेटा पूछ रहा है, आखिर बात क्या है माँ? मुझे तुझे मेरी सौगंध है माँ, झूठ नहीं बोलना, बता माँ क्या बात है? हाँ बेटा, अगर तू जिद ही करता है तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। क्या बात है? क्या बात है बेटा? एक दिन की बात है, मैं अपने पति को यानी कि तुम्हारे पिताजी को खाना लेकर जा रही थी और तुम्हारी चाची माँ ने खाना लेकर फिर क्या हुआ माँ? तुम्हारे पिताजी को देने गई। क्या हुआ? मैं वहां पहुंची तो
तो घिनौनी हरकत करने लगी और तुम्हारे पिताजी को फंसा दिया और उन्हें जेल भिजवा दिया बेटा। उसके बाद तुझे क्या हुआ माँ, कुछ तो बोला। ए माँ हमारे स्कूटर से बाबा जी कहाँ चले गए? और बाबा जी कहाँ चले गए आप? क्योंकि मेरी माँ की जान संकट में है बाबा जी। बेटा प्रेम, तुम्हारी माँ बेहोश हो गई है, गंदगी सागर में डूब गई है। बेटे तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी माँ ने हमारी बहुत सेवा की है, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। बेटे तुम जाओ नरवलगढ़, अपने पिता और अपने भाई का पता लगाओ, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। बेटे बाबा जी मुझे माँ का ख्याल रखना, अगर चौंतन इंद्र ने भी मेरी माँ को इस तरीके रुलाया है तो इस नर और कर के हवेली के ईट से ईट बजा दूंगा मैं। आखिर मेरे बच्चे को तुमने अकेले ही भेज दिया? नहीं, वो मेरी छोटी बहू नहीं, वो नागन है। नागन बेटा मैं आ रही हूँ बेटा, मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती। हाँ बेटा, मेरे मुन्ने भूल न जाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना। वास्तव में तेरे शान क्या निराली है। आज मैं दरगाह में रह करके और बच्चे की परवरिश करते हुए आज
मुझे 18 साल दे चुके हैं। मेरा बेटा जिसे कि हम पारस के नाम से पुकारते हैं, पारस के नाम से बुलाते हैं, आज वो नौजवान हो गया है, सयाना हो गया है, और मैंने उसे इतना हुनर सिखाया है, इतना फौजान बना दिया है कि मैंने उसे कुश्ती बाजी, पैतले बाजी, तीरंदाजी, तलवार बाजी, यानी हुनर सिखाने। बाबा जी किसी बात करते हो, लगता है आप मेरी ही बातें करते हैं। क्यों बाबा जी? हाँ बेटे, बाबा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो बोलो। अरे बाबा जी आदाब को करिए मेरी कबूल, बाबा जी आदाब को करिए मेरे कबूल। और आज में आजू है भरे क्या हो गई, क्या हो गई भूल। बोले बाबा जी पारस आपकी आंखों में आंसू, बाबा जी मेरे आंखों में आंसू देख करके तू हैरान हो गया है। हाँ बाबा जी मैं हैरान हो गया पारस। और अल्लाह के करम से बेटा फूलो जैसे फूल, अल्लाह के करम से बेटा फूलो जैसे फूल। और अश्क मेरे क्यों बह रहे ना किया तू कोई भूल, पारस आज मैं कुछ बात सोचने लगा था बाबा जी, इसलिए उस बात को सोच करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बाबा जी मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी आंखों में आंसू क्यों और किस लिए आए हैं। हाँ बाबा जी चाहता है जानना चाहता है। पारस देख हर बात जानने की, हर राज जानने की एक उम्र होती है। शायद मैं जिस बात को तुझसे बताऊंगा उस बात को सुन करके तू शायद इतना बड़ा काम सह नहीं पाएगा। हाँ बाबा जी। हाँ पारस कि आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। नहीं बाबा जी उस परवर विकार की कसम है बाबा जी। हाँ मैं इस बात को जानना चाहते हैं बाबा जी, बताना पड़ेगा तुम्हें, बताओ बाबा जी। हाँ बाबा जी पारस। हाँ बाबा जी अगर आज तूने मुझे खुदा का वास्ता दे करके मजबूर किया है तो मैं तुझसे जरूर बताऊंगा। हाँ बाबा जी पारस बेटे ये बहुत लंबी कहानी है, इसलिए कि शायद अपने दिल में यही सोचता है कि मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है। हाँ बाबा जी पारस तेरा एक हंसता खेलता हुआ परिवार था, आज तो इस दरगाह में जो जीवन यापन कर रहा है तो राजघराने से जुड़ा हुआ है पारस। हाँ इसलिए
दे रहे हैं। पिता राम बाबू नरवलगढ़ सियासत के एक महाराज हैं, जो कि आज पता नहीं वो किस साल में है, कहाँ है और क्या कर रहे हैं। इस दुनिया में है लेकिन बाबा जी तू कहाँ है और मुझे कैसे मिलेंगे बाबा जी। हे पारस सेफ, मैं कह रहा हूँ कि समय आने पर मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अगर जिद कर रहा है तो मेरी बात को सुन बाबा जी, और कम को सुने कि तेरी उम्र है नहीं, कम की जो दास्ता सुनना नूरे नजर, भाई बाप का कम ना सह पाएगा, इसलिए कर रहा कुछ भाई बाप का। गम की क्या बात है अरे बाबा जी, दिल सुने हो तभी को गम है मुझे, सच बता दीजिए कुछ छुपाना नहीं, सच बता दीजिए। हाँ बाबा जी, तुम्हें घर में गाल के रिश्ते में तो बाबा जी मेरे पिताजी कहाँ मिलेंगे। इस तरह उतावला हो जाएगा, इस तरह मायूस हो जाएगा तो फिर तुझे वो मंजिल नहीं मिलेगी जिसे कि मेरी तलाश है पारस। हाँ बाबा जी, तू सोचता है कि मैं अकेला हूँ तो तू अकेला नहीं, तेरा एक भाई है, तेरी माँ है और तेरे पिताजी भी है, लेकिन तेरी माँ तेरा भाई अब किस साल में होंगे, कहाँ होंगे वो नहीं बता सकता हूँ, इसलिए कि नरवलगढ़ रियासत के महाराज अमर सिंह थे, उनके दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम राम और छोटे बेटे का नाम श्याम था। बड़े बेटे राम की पत्नी का नाम सीता था और छोटे बेटे श्याम की पत्नी का नाम राधा था। एक दिन अचानक दानवीर सम्राट अमर सिंह ने दरबार में बुलाया और आपके पिता यानी राम से कुछ सवाल किया, जिसका के उचित जवाब राम बाबू ने दिया। उसे जवाब को सुन करके अमर सिंह सम्राट ने राम बाबू को नरवलगढ़ रियासत का महाराज बना दिया। कुछ समय बीतता चला गया, आपके चाचा यानी श्याम बाबू और चाची और दरबार का महामंत्री राणा सिंह ये लोग मिल करके कुछ ऐसी चाल चले कि राज और तख्त ताज के लालच में आकर के उन पर खिलौनी हरकत लगा करके कैद खाने में डलवा दिया और वो तुम्हारी माँ सीता तुमको और तुम्हारे भाई को लेकर के भाग रही थी, वो मारना चाहते थे लेकिन मैंने वादा किया था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए पारस तुम्हारे भाई को लेकर के तुम्हारी माँ पूरब दिशा की तरफ गई है और हम तुम्हें लेकर के पश्चिम की दिशा आए। मुझे रास्ता नजर नहीं आया तो मैं दरगाह में रह करके तुम्हारी परवरिश किया, तुम्हें पाल पोस करके सयाना किया और इसलिए हुनर सिखाया था कि शायद आज मैं
उस हुनर की तुमसे परीक्षा भी लूंगा। अगर उस परीक्षा में पास हो जाओगे अपनी माँ को जरूर ढूंढने जाएंगे। मैं इसी वक्त जाता हूँ बाबा। ठीक है जाओ, लेकिन सबसे पहले मैंने जो हुनर सिखाया है आज मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर वो जज्बात देखना चाहता हूँ। तुम्हारी भुजाओं में ताकत है, शक नहीं है। आज तुमको मुझसे बाबा जी तलवारबाजी करना पड़ेगा। आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? हाँ पारस। ठीक है बाबा जी, अगर आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो परीक्षा लेने के लिए जरूर तैयार है बाबा जी। शाबाश बाबा जी, तो हूँ जरूर तैयार है। जाओ में ताकत है या कि नहीं है? पारस, ये मत समझना कि तेरा चाचा तेरे सामने खड़ा है, यही समझना कि आज एक दुश्मन तेरे सामने खंजर लेकर के तुझसे मुकाबला करना चाहता है। ठीक है चाचा जी, होशियार हो जाओ। परीक्षा देने के लिए मैं तैयार हूँ बाबा जी। आज मुझे यकीन हो गया कि आज तो दुश्मनों से कभी पैर पीछे नहीं हटाएगा, उनसे डट करके मुकाबला करेगा। इसलिए आज तू मेरे परीक्षा में पास हो गया। क्यों नहीं चाचा जी, आपका तो ही सिखाया हूँ। पारस, यह मैं देखना चाहता था क्या कि मैं लाख मेरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हाँ बाबा जी, मगर उसके रहम करम से एक पत्ता नहीं हिलता है। पारस नहीं बाबा जी। हे पारस कहो बाबा जी, अगर कमली वाले अगर कमली वाले रहमत न होती हाँ बाबा जी तो किस्मत के मारे हाल होता। अगर कमली वाले रहमत न होती तो किस्मत के मारे क्या क्या हाल होता। अगर कमली